हाइपोथायरॉयडिज्म, व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या होता है कि थायराइड एक ग्लैंड रहता है गले में, जिसका हार्मोन की कमी को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। जो थायराइड हार्मोन बॉडी के बैटरी जैसा है, तो पूरा बॉडी को फंक्शनिंग में उसका असर होता है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब उसका काम कम होने का हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म? जिनको थायराइड फंक्शन ठीक नहीं होता है, जिनका काम कम है, तो उनके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं बॉडी में। वेट गेन मतलब वजन बढ़ना, लेडीज में मेंसेस इरेगुलर होना, महीना ठीक से बराबर नहीं आना, या प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होना, हेयर फॉल होना और स्किन ड्राई हो जाना, चमड़ी ड्राई होना, ऐसे सब सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। डज हाइपोथायरॉयडिज्म अफेक्ट चिल्ड्रन? हाइपोथायरॉयडिज्म बचपन से भी हो सकता है, जिनको जो पैदा हुए बच्चे हैं उसे भी हो सकता है, उनको कंजेनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। शुरुआत के एज में बहुत इम्पोर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट देना, और बच्चों में अलग किस्म से प्रकार करते हैं। उसका क्या होता है कि हाइट गेन नहीं होते हैं बच्चे जिनका थायराइड गड़बड़ होता है, या नहीं तो परफॉर्मेंस जो स्कूल वगैरह में जो परफॉर्मेंस है उससे दिक्कत पड़ता है। तो उस समय में भी जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से फिर उनको थायराइड हार्मोन का टेस्ट करके फिर उनको रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। डज हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन रिक्वायर ट्रीटमेंट? थायराइड हार्मोन जैसे मैंने पहले बताया, वो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यक हार्मोन है। सारे फंक्शंस के लिए वो जरूरी फैसिलिटेट करता है बॉडी में। तो जब भी हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट होता है, इवन माइल्ड कंडीशंस में भी ट्रीटमेंट जरूरी होता है। कभी कभार बहुत ही माइनर सा डिसफंक्शन है, तो जिसको सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट थोड़ा किसी किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। बट आमतौर पर सबको थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट जरूरत पड़ता है जब भी थायराइडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट होता है। How often should the thyroid levels be checked in these patients? जब एक बार थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट शुरू करते हैं, शुरुआत के हम इनिशियली जो थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेक कराते हैं, दो महीना तीन महीने में एक बार। जब एक बार स्टेबल लेवल्स पे आ गया है बॉडी का थायराइड हार्मोन, नॉर्मल लेवल पे आ गया है, तो उस समय तीन से छह महीने में एक बार टेस्ट करते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी रैपिडली ट्रीट करना पड़ता है बच्चे के लिए और माँ के लिए, तो उनमें चार हफ्ते छह हफ्ते में थायराइड हार्मोन का टेस्ट करते हैं और फिर जो डोज है वो एडजस्ट करते हैं। सो जो कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी भी बदलता रहता है। डज हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट रिक्वायर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट? खासकर जिनको ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाशिमोटोज डिसीज बोलते हैं, जिनको थायराइड बिल्कुल काम नहीं कर रहे, तो उनको लंबे समय तक थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ता है। उसमें कैसा है कि जो अंदर से हार्मोन नहीं बन रहा है तो वो बाहर से दे रहे हैं, तो वो हार्मोन जरूरी है लाइफ के लिए, तो इसलिए लंबे समय तक देना पड़ता है। कभी कभी माइल्ड डिसफंक्शन है, या कोई सर्जरी के वजह से हुआ, कोई रेडिएशन के वजह से हुआ, या कुछ और दिक्कत से थोड़ा ट्रांसिएंट डिसफंक्शन होते हैं, जिनको कम समय ऐसे तीन महीना छह महीना दवाई लेके फिर बंद भी हो सकता है। तो कंडीशन के हिसाब से उनका थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट डिसाइड करते हैं। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि जिनको एक बार शुरू हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। अंडरलाइन बीमारी और TSH वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है ये। हाइपरथायरॉयडिज्म, व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म? हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का बॉडी में जितना होना चाहिए उससे ज्यादा बना रहा है। जब थायराइड ग्लैंड अपने आप एक्स्ट्रा हार्मोन बना रहा है बॉडी में, और वो थायराइड हार्मोन्स जो बॉडी में असर ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। कभी कभार ये थायराइड हार्मोन्स इन एक्सेस कंडीशन बाहर से भी खा रहे हैं तो उसको भी होते हैं। इसको आमतौर पर थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं, जो टॉक्सिक सिम्टम्स होते हैं थायराइड हार्मोन्स ज्यादा होने के कारण, तो इसको हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म? जिनको थायराइड हार्मोन्स ज्यादा है बॉडी में, उनको दूसरे टाइप के सिम्टम होते हैं। वो है वजन कम होना,
बाल ज्यादा झड़ना, दिल का धड़कन तेज होना, पसीना ज्यादा आना और किसी किसी में ज्यादा लूज मोशन ज्यादा होना, और कभी कुछ पेशेंट्स को आंख में भी असर करता है ये, आंख ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाना और आंख थोड़ा सा बाहर दिखना, कभी एक आंख या दो आंख, और कुछ कंडीशंस में ज्यादा स्वेलिंग होता है नेक में, जो गॉइटर बोलते हैं, जो स्वेलिंग भी दिख जाता है, तो इनको ये सब सिम्टम्स होते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉइडिज्म के। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म? जो थायराइड हार्मोन जब जरूरत से ज्यादा बढ़ता है बॉडी में, तो मैक्सिमम जो इफेक्ट करता है, एक तो हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब दिल और उसके सराउंडिंग जो वेजल्स है उसमें इफेक्ट करता है, तो दिल धड़कन तेज होता है तो बीपी ज्यादा बढ़ने का संभावना रहता है, और दूसरा मेजर पोर्शन, मेजर ऑर्गन जो इफेक्ट करता है वो है स्केलेटल सिस्टम, तो बोन्स के ऊपर जो असर करता है थायराइड हार्मोन, तो बोन से ज्यादा कैल्शियम निकाल देता है और फिर बोन्स वीक हो जाते हैं, तो जिसके वजह से फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं। हार्ट में जब ज्यादा काम कर रहा है तो फिर दिल का धड़कन इरेगुलर होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, ऐसे कोई एक्टोपिक्स होता है, सो ये सब सिम्टम्स होते हैं जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब थायराइड हार्मोन्स बॉडी में ज्यादा हो तो। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर हाइपरथायरॉइडिज्म? थायराइड हार्मोन्स जब ज्यादा बढ़ रहा है बॉडी में, तो उसको कम करने के लिए दो तीन तरीके से ऑप्शंस हैं। पहले नॉर्मली जो है एंटी थायराइड ड्रग्स यूज करते हैं, ये दवाई जो है 6 महीना 1 साल तक टैबलेट्स दे के देखते हैं कि थायराइड कंट्रोल में आ गया है नहीं हुआ। जब थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर डेफिनेटिव ऑप्शंस करके दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो है रेडियो आयोडीन थेरेपी। रेडियो आयोडीन मतलब एक आयोडीन कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो कैप्सूल फॉर्म में देते हैं, वो आप आयोडीन जो है कॉन्सेंट्रेट होके थायराइड हार्मोन को बनाने का जो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता है और फिर हार्मोन्स को रोकता है। कभी रेडियो आयोडीन नहीं दे रहे हैं तो किसी और वजह से रेडियो आयोडीन नहीं दे पाते हैं, तो फिर सर्जरी करके थायराइड को ग्लैंड को भी निकाल सकते हैं जो थायराइड हार्मोन कम करने के लिए। तो ये दो तीन ऑप्शंस हैं जो थायराइड हाइपरथायरॉइडिज्म को ट्रीट करने के लिए। तो किस पेशेंट को जो कंडीशन के हिसाब से और बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो उस समय डॉक्टर डिसाइड करेगा आपका। डज हाइपरथायरॉइडिज्म पेशेंट्स रिक्वायर लॉन्ग टर्म थेरेपी? हाइपरथायरॉइडिज्म भी थोड़ा लंबे समय तक चलता है किसी किसी में, बट यूजुअली मैक्सिमम 1-2 साल तक टैबलेट देने के बाद डेफिनेटिव मैनेजमेंट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हाइपरथायरॉइडिज्म के वजह से कॉम्प्लिकेशंस रिस्क ज्यादा है और मॉनिटरिंग थोड़ा फ्रीक्वेंटली होना पड़ता है और पेशेंट्स को दिक्कत ज्यादा होता है, तो 6 महीना से 1 साल तक दवाई देते हैं और उसके बाद डेफिनेटिव ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। जब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कर देते हैं तो कुछ पेशेंट्स बाद में हाइपर से हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट देते हैं तो इजी रहता है, तो इसलिए जो रेडियो आयोडीन देते हैं या सर्जरी करके ग्लैंड निकाल देते हैं उनको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो गया है तो उसके बाद थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट जरूरत पड़ता है, बट दवाई जो है 1-2 साल तक ट्राई करते हैं कि दवाई से बीमारी कंट्रोल हो जाए या नहीं। इज रेडियो आयोडीन थेरेपी सेफ फॉर चिल्ड्रन? रेडियो आयोडीन थेरेपी बहुत इफेक्टिव है हाइपरथायरॉइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए, और जिनके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो वो एकदम बेस्ट तरीका है कंट्रोल करने के लिए। बच्चों में भी यूज करते हैं, कोई ट्यूमर रिस्क नहीं होता है और इफेक्टिवली कंट्रोल होता है। रेडियो आयोडीन ओनली जिनके लिए प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उस एज ग्रुप में नहीं देते हैं, या जिनके लिए आंख ज्यादा बहुत ज्यादा आई इन्वॉल्वमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड आई डिसीज है, उसमें यूज नहीं करते हैं, बट अदरवाइज रेडियो आयोडीन जो है सबसे सेफ तरीका है बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी। गॉइटर एंड थायराइड नोड्यूल, व्हाट इज अ गॉइटर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम थायराइड नोड्यूल? थायराइड ग्लैंड जब यूनिफॉर्मली बढ़ जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग मोटा हो जाता है, तो उसको गॉइटर बोलते हैं।
जो पहले जमाने में जिनके आयोडीन कम के कारण ऐसे बड़े बड़े स्वेलिंग्स दिखते थे, आजकल थोड़ा कम हो गए हैं ऐसे, बट गॉइटर मतलब जो थायराइड ग्लैंड पूरा बढ़ जाना होता है। नोड्यूल्स जो है आजकल थायराइड दो राइट एंड लेफ्ट लोब होता है, एक एक ग्लैंड में छोटा सा हल्का सा जो एनलार्जमेंट को बोलते हैं थायराइड नोड्यूल। नोड्यूल मतलब छोटा सा मास है, गांठ है थायराइड के अंदर, ये मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे छोटे छोटे गांठ होते हैं। खासकर पेशेंट को कभी मतलब कम तरीके से मालूम पड़ता है, या कोई अल्ट्रासाउंड करा लिया, कोई सीटी स्कैन कराया किसी के वजह से, उस समय भी मालूम होता है, तो उसको थायराइड नोड्यूल बोलते हैं। What are the causes of thyroid nodule and goiter? जो थायराइड बीमारियां जो है, ये आयोडीन डेफिशिएंसी, हशिमोटोज डिसीज, या कोई टॉक्सिक नोड्यूल, या कोई दवाई के वजह से, इन सब चीजों के वजह से थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो सकता है, और ऑटो इम्यून डिसीज है, और कोई रेडिएशन है, इन सब चीजों से भी नोड्यूल्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो यूजुअली क्या है कि जो कंडीशन किसके वजह से ये हुआ है उसके हिसाब से फिर आगे उनका इलाज प्लान करना पड़ता है। What are the symptoms of thyroid nodules? थायराइड नोड्यूल नॉर्मली बहुत छोटा साइज होता है, तो कभी सिम्टम्स ऐसे होता नहीं है, बट नोड्यूल में कभी कभी क्या होता है कि जो टॉक्सिक नोड्यूल हम बोलते हैं, जिसको नोड्यूल से ज्यादा थायराइड हार्मोन बना रहे हो, जब थायराइड हार्मोन ज्यादा बन जाते हैं, जो थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स होते हैं इस नोड्यूल के वजह से, थायरोटॉक्सिकोसिस के जो सिम्टम्स है, जो वेट लॉस है, पैल्पिटेशंस है, वो दिल का धड़कन तेज होना और पसीना ज्यादा आना, ये सब सिम्टम्स होते हैं जो टॉक्सिक नोड्यूल के वजह से। नोड्यूल कभी कभी रेयरली पीछे की तरफ बढ़ता है, और जो स्वेलिंग जो अपना जो खाने के रास्ता है या सांस लेने के रास्ता है उसमें थोड़ा प्रेशर देता है, तो ऐसे गले में घुटन जैसा होता है, तो कभी अंदर की तरफ ऐसी स्वेलिंग है तो हो सकता है ऐसा, बट अदरवाइज नोड्यूल सब छोटे होते हैं और अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में दिख जाते हैं ज्यादा। आर ऑल थायराइड नोड्यूल्स कैंसरीज? थायराइड नोड्यूल्स में 90% नोड्यूल बिनाइन होते हैं, बिनाइन मतलब कोई कैंसर का रिस्क नहीं होता है। ओनली 5 to 10% जो है वो थोड़ा सा रिस्की होते हैं, जो थायराइड कैंसर कारक नोड्यूल होते हैं। गांठ, किसी भी ऑर्गन में गांठ है तो कैंसर का रिस्क हमेशा होता है, तो कैंसर कारण है या कैंसर के वजह से ऐसे गांठ बना है या नहीं चेक करना पड़ता है, बट मेजॉरिटी जो है वो नॉन मैलिग्नेंट होते हैं, वो बिनाइन ही होते हैं। What are the treatment options for thyroid nodule? थायराइड नोड्यूल पहले हमें ये पता करना है कि नोड्यूल किसके वजह से आया है, तो उसको टेस्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूजुअली करते हैं। अल्ट्रासाउंड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो थायराइड नोड्यूल का मतलब सीवियर है या नहीं है बताने के लिए, और उसके बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं जो T3 T4 TSH बोलते हैं, और उसके बाद जो है थायराइड नोड्यूल से सुई डाल के FNAC करके बोलते हैं, नोड्यूल के टिश्यू को बाहर निकाल के स्लाइड में देखते हैं, तो ये सब चीज डिसाइड होने के बाद थायराइड नोड्यूल हानिकारक है या नॉर्मल है वो चेक करते हैं। हानिकारक है तो उसके हिसाब से फिर थायराइड सर्जरी प्लान करते हैं, या उसके टॉक्सिक नोड्यूल वगैरह है तो एक थायराइड स्कैन करना पड़ता है, फिर रेडियोआयोडीन देते हैं वो ठीक करने के लिए। यदि ओनली बिनाइन ऐसे दिख जाता है तो फिर ओनली फॉलोअप में रखते हैं कि 6 महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो या साल में एक बार करा लो, फिर उसमें फॉलोअप रख के आगे देखते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है उस नोड्यूल का कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है और किस स्टेज में है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। व्हाट इज द लिंक बिटवीन थायराइड डिसऑर्डर्स एंड थ्रोट पेन? जैसे थायराइड जो है गले में रहता है, ग्लैंड है बाहर की तरफ, स्किन के बिल्कुल अंदर रहता है, स्किन के एकदम पीछे रहता है, बट गले में जो बाकी मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी जाते हैं, जो हमारा विंड पाइप जो सांस लेने वाला उसके ऊपर रहता है थायराइड, और उसके पीछे रहता है जो खाने की नली, जो हम फूड खाते हैं और अंदर जाता है। गले में दर्द कभी कभार जब थायराइड लोकली बढ़ जाता है तब होता है,
बट अदरवाइज नॉर्मल थायराइड डिस्फंक्शन जो हाइपोथायराइडिज्म वगैरह में लोकल कंप्लेंट्स खास नहीं होते हैं। लोकल कंप्लेंट्स तभी होते हैं जब गॉइटर हो गया है या नोड्यूल कोई कंप्रेस कर रहे हैं, तो उस समय होता है ऐसा। ऑटो इम्यून थायराइड डिजीजेस, व्हाट इज ऑटो इम्यून थायराइड डिजीजेस? ऑटो इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनिटी मतलब हमको बाहर से कोई इन्फेक्शन को रोकने का। ऑटो इम्यूनिटी मतलब बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने आप का जो ग्लैंड है उसको ये अपना परसीव नहीं करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, सो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। थायराइड में जो है जो कॉमन डिसऑर्डर्स है, जो हशिमोटोज डिसीज जो ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म करता है, और जो ग्रेव्स डिसीज है वो ऑटो इम्यून हाइपरथायराइडिज्म करता है कि थायराइड हार्मोन को ज्यादा बनाता है। तो ये ऑटो इम्यूनिटी दोनों थायराइड कम भी कर सकता है या ज्यादा भी कर सकता है। हाउ डू यू डायग्नोज ये ऑटो इम्यून थायराइड डिसीज? ऑटो इम्यून डिसीजेस थायराइड में डायग्नोज करने के लिए सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, जो थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, जो टीपीओ एंटीबॉडी खासकर करते हैं, थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी। कभी कभी जो ग्रेव्स डिसीज करके हाइपर थायराइडिज्म को डायग्नोज करने के लिए टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी करते हैं, इनके पॉजिटिविटी के हिसाब से ऑटो इम्यूनिटी डायग्नोज होता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑटो इम्यून थायराइड डिजीजेस? ऑटो इम्यून डिसीज जो अंडरलाइंग या हाइपो कर रहा है या हाइपर कर रहा है उसके हिसाब से कॉम्प्लिकेशन होता है। अदरवाइज कभी कभार इसमें ऑटो इम्यून हाइपर थायराइडिज्म मतलब जो ग्रेव डिसीज है, खासकर जो प्रेग्नेंट्स है तो उसमें बच्चों को भी ट्रांसफर होता है एंटीबॉडीज, और बच्चों में भी जब अंदर रहते हैं पेट के अंदर या जब इनिशियल जब न्यूबॉर्न बेबीज में भी थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिसीज को इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एंटीबॉडीज कैसे हैं और आगे रिस्क कैसा है जो जनरेशन में ट्रांसमिट होने के लिए फैमिलीज में, तो ये इम्पॉर्टेंट। What is the treatment for autoimmune thyroid disease? पर से जो ऑटो इम्यूनिटी को कम करने के लिए ऐसे कोई दवाई देते नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। ओनली जिनको ऑटो इम्यूनिटी है और थायराइड डिस्फंक्शन है, जो डिस्फंक्शन के हिसाब से यदि हाइपोथायराइडिज्म हुआ तो उनको थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट देना पड़ता है, या हाइपरथायराइडिज्म है तो उनको थायराइड हार्मोन को रोकने के लिए दवाई या रेडियोआयोडीन देना पड़ता है। बट अक्सर जो एंटीबॉडीज को कम करने के लिए लोग कुछ दवाई देते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह, ये सब नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे पेशेंट को नुकसान ज्यादा होता है और फायदा बिल्कुल नहीं होता। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑटोइम्यून थायराइड डिसीज इन प्रेगनेंसी? ऑटोइम्यून थायराइड डिसीज जो है प्रेगनेंसी में मोर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके वजह से ज्यादा रिकरेंट एबॉर्शंस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और आईयूजीआर मतलब जो बच्चा जो अच्छी तरह ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे चार पांच कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, प्रीटर्म लेबर ये सब। तो थायराइड जो कंट्रोल करना प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड हॉर्मोन्स को नॉर्मल लेवल में रखना प्रेगनेंसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। डज इट अफेक्ट माई चिल्ड्रन और सिबलिंग्स? जिनको ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर है तो वो फैमिलीज में ज्यादा रन करते हैं। सपोज माँ को थायराइड हुआ है तो बेटी को भी होने का ज्यादा चांस रहता है, बच्चों को भी होने का ज्यादा चांस रहता है। तो ऑटोइम्यून डिसीज जो है वो फैमिलीज में रन करता है देन व्हेन कंपेयर्ड विद द जनरल पॉपुलेशन। डाइट एंड थायराइड, व्हाट आर द डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस फॉर पेशेंट विद हाइपोथायराइडिज्म? थायराइड हार्मोन जिनका कम है जो हाइपोथायराइडिज्म के लिए दवाई ले रहे हैं वगैरह, दो तीन इम्पॉर्टेंट डाइटरी एडवाइजर्स है। एक तो सोया प्रोडक्ट, कैबेज, कॉलीफ्लेवर वाले जो प्रोडक्ट्स है, ब्रासिक एसिड फ्रूट वाले जो ग्रुप के जो वेजिटेबल्स है, ये सब थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन में थोड़ा दिक्कत करते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा कंजम्पशन नहीं करने का है जिनको हाइपोथायराइडिज्म है। और सेकेंड थिंग क्या है कि जो भी थायराइड हार्मोन लेते हैं वो है एम्प्टी स्टमक में लेना पड़ता है, कोई भी कैल्शियम आयरन कोई भी फूड पार्टिकल लेने से उसका एब्जॉर्प्शन पे असर पड़ता है।
डाइट में दूसरा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वो एम्प्टी स्टमक में हार्मोन रिप्लेसमेंट लेना है, और जो वेजिटेबल्स और सोया प्रोडक्ट्स है वो जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। व्हाट आर द डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस फॉर पेशेंट्स विद हाइपरथायरॉयडिज्म? जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड हार्मोन्स ज्यादा बन रहा है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो आयोडाइज सॉल्ट जो है, एक्चुअली आयोडीन जो है एसेंशियल है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, सो आयोडीन को रोकेंगे तो थायराइड हार्मोन को जो बनाने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा उसका रेस्ट्रिक्शन आएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो रॉक सॉल्ट या रॉ सॉल्ट खाएं, जो आयोडाइज सॉल्ट ना खाएं। बाकी चीज जो डाइटरी प्रिकॉशंस है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए, कोई ऐसे आयोडीन रिच फूड नहीं खाएं, कभी कभार फिश होते हैं कुछ ऐसा आयोडीन रिच, तो ये सब चीज नहीं खाएं। जो नॉन आयोडाइज सॉल्ट उस समय खाएंगे तो बेहतर रहेगा। कैन आई ईट कैबेज, रेडिश और सिमिलर वेजिटेबल्स? जो वेजिटेबल्स जो मैंने अभी बताया कि वो कुछ वेजिटेबल्स हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, बट वंस इन ए वाइल खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको रेगुलर खाना है और हेवी क्वांटिटीज में खाना है वो डिफरेंस करता है। सेकेंड थिंग, कभी कभी ये ऑटो इम्यून डाइटरी इंड्यूस्ड जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ जो डिस्फंक्शन है वो ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उनमें ज्यादा असर नहीं है इसका, तो कभी कभार लेने में कोई दिक्कत नहीं आता। विच इज द बेस्ट सॉल्ट टू यूज, आयोडाइज और नॉन आयोडाइज सॉल्ट? जो नॉर्मल तरीके से सब पॉपुलेशन में आयोडाइज सॉल्ट से बेहतर कुछ भी नहीं है, आयोडाइज सॉल्ट ही लेना है। इसलिए आयोडाइज सॉल्ट हर जगह सप्लाई वैसे ही होता है। आयोडाइज सॉल्ट करने से थायराइड के बहुत सारे बीमारियां, जो गॉइटर, ये सब चीज कंट्रोल हुआ है, तो आयोडाइज सॉल्ट ही लेना है। ओनली जिनको जो ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं, जो हाइपर थायराइडिज्म है, फॉर सम टाइम जो उनके लिए ट्रीटमेंट की वजह से या रेडियो आयोडीन देने से पहले ऐसे कुछ समय जो नॉन आयोडाइज सॉल्ट देने के लिए बोलते हैं, बट अदरवाइज सब पॉपुलेशन जो है आयोडाइज सॉल्ट ही खाना है, जिसके वजह से थायराइड का कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा और बच्चों में भी कोई असर नहीं आता है। नॉर्मल डेवलपमेंट वगैरह के लिए, थायराइड नॉर्मल काम करने के लिए आयोडाइज सॉल्ट ही खाना पड़ता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मील इनटेक एंड थायराइड टैबलेट कंसम्पशन? 99% ऑफ द टाइम थायराइड टैबलेट जो है खाली पेट में खाना पड़ता है। ये मॉर्निंग टाइम हम होते हैं जैसे उठे हैं उस समय, और फिर टैबलेट खा के कम से कम आधा एक घंटा गैप देना पड़ता है दूसरे टैबलेट्स और दूसरा कोई